ऑक्सीम्स की बात हम कर रहे हैं तो ऑक्सीम में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और ऐसे कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ ऑक्सीजन की स्थिति के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आप यहाँ देखोगे कि ये हाइड्रोजन ये वाला और दूसरे साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये प्रेजेंट है, यहाँ पे एक में हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक में हाइड्रोक्सिल, ये दोनों एक ही साइड में है, और जब वो एक ही साइड में होता है तो उसे हम बोलते हैं सिन आइस फॉर्म, क्या बोलते हैं इसको, सिन फॉर्म या सिस फॉर्म, ठीक है। वो हम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के स्थिति में जब हम देखते हैं तो उसको बोलते हैं हम सिस और ट्रांस। यहाँ पर जब हम एल्डोक्सिम्स की फॉर्म उसमें देखते हैं, जब कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिन, एस आई एन एस वाई एन सिन, ठीक है। तो वो है आपका सिन, और अगर वो अपोजिट है जैसे कि यहां पर आप देखोगे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट साइड है, तो ऐसे आइसोमर को आप क्या बोलोगे, एंटी, चाहे आप ट्रांस बोलो या एंटी बोलो, बात एक ही है। लेकिन आप लोग हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, और जब हम कार्बन और नाइट्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं तो सिन और एंटी शब्दों का इस्तेमाल आप करोगे। तो मैंने आपको यहां पर बता भी दिया है कि सिस का मतलब सिन और जो ट्रांस है उसका मतलब एंटी, जब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो अपोजिट साइड में प्रेजेंट हो तब, ठीक बात है। इसी तरह से कुछ और कंपाउंड्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एजो कंपाउंड्स। अब एजो कंपाउंड्स कौन से होते हैं, एजो कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में अगर डबल बॉन्ड हो, अगर ये वाली स्थिति आपको कहीं पर मिले जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो उस तरह के कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एजो कंपाउंड्स। उसको क्या बोलते हैं हम, एजो कंपाउंड्स, है ना, एजो कंपाउंड, ये एजो ग्रुप है एक्चुअली, ठीक है। तो वो एजो कंपाउंड्स हो जाते हैं। अब देखो ये एजो ग्रुप जो है, आप कई बार आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, जैसे कि एक चीज आप पढ़ते हो जैसे हम बोलते हैं एजो डाइस, आप डाइस पढ़ते हो, रंजक, yes, है ना, तो रंजक में आप पढ़ते हो एजो डाई, एजो रंजक, अगर आपको याद हो आपने पहली पिछली कक्षाओं में कहीं पर एजो डाइस आपने पढ़ी होंगी, तो वो एजो डाइस इसलिए उनका नाम दिया गया क्योंकि उसमें ये जो एजो ग्रुप है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड वाला ये जो ग्रुप है एजो ग्रुप, वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें ये एजो ग्रुप हो वो भी क्या करते हैं, वो भी आपके कौन सी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहां पर इस कंपाउंड को देखो तो यहां पर आपको नजर आएगा कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, हाँ या ना। इसी तरह से इस कंपाउंड को आप देखोगे कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। अब यहां अगर आप यहां की स्थिति आप देखो कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में आपने डबल बॉन्ड कर दिया, और यहां पर एक संयोजकता ये और एक संयोजकता ये, और यहां पर आपने लगा दिया एक फेनिल ग्रुप, यहां पर लगा दिया आपने एक फेनिल ग्रुप, ठीक है। और आपको मालूम है कि नाइट्रोजन की जो स्थिति होती है उसमें दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसे आप लोन पेयर बोलते हो, वो लोन पेयर भी नाइट्रोजन में प्रेजेंट होता है, आया ना। yes, तो ये जो आपको यहाँ ये जो दिखाया हुआ है ये लोन पेयर ही दिखाया हुआ है, ये ग्रुप किसी के साथ में कोई अतिव्यापन नहीं कर रहा, ये ऑर्बिटल किसी के साथ में कोई अतिव्यापन नहीं कर रहा, कोई बॉन्ड नहीं बना रहा, ठीक है। लेकिन ये जो CH3 CH3 है, हमने यहां तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में लिख दिया CH3 CH3, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम देखें तो वो स्थिति कैसे होती है, ये और ये, तो एक C6H5 और ये C6H5। अगर दूसरी तरह से हम इसको ऐसे लिखें कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन और ये आपका C6H5 और ये आपका C6H5, तो यहां पर आप स्थिति देखोगे कि ये जो C6H5 है जिसे आप फेनिल ग्रुप बोल रहे हो, ये दूसरे के क्या है, अपोजिट साइड है, जबकि यहां पर आप इस एजो ग्रुप के साथ में जो फेनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं ये दोनों क्या जुड़े हुए हैं, एक तरफ। तो इसका मतलब कि ये जो ग्रुप है जहां पर एक साइड में फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं ये क्या हो जाएगा आपका, सिस, और जहां पर ये फेनिल ग्रुप अपोजिट साइड में जुड़े हुए हैं वो क्या हो जाएंगे आपके,
ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर सिसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म शो की हुई है। और ये जो लोन पेयर है जो मैंने आपको यहाँ पर ये दिखाया हुआ है लोन पेयर, इसको भी आप यहाँ पर जोड़ सकते हो। ये आप यहाँ दिखा सकते हो कि साहब ये लोन पेयर, ये पी ऑर्बिटल किसी के साथ में अतिव्यापन ही नहीं कर रहा, ये आप इसको अपोजिट साइड ऐसे दिखा सकते हो। और यहाँ पर जब दिखाओगे तो यहाँ पर इस तरह से दिखाओगे, आया ना? तो इस तरह से जो एजो कंपाउंड्स हैं जिसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, वो भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई? और एक और कंपाउंड आपके हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो रिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो रिंग कंपाउंड हैं, वो रिंग कंपाउंड भी सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम कोई भी एक रिंग कंपाउंड ले लें और उस रिंग कंपाउंड में अगर आप यहाँ देखोगे, जैसे सबसे सबसे स्मॉलेस्ट रिंग हम बना लेते हैं यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन की। अब ये साइक्लोप्रोपेन की हमने रिंग बना ली और ये आपको पता है ये सी एच टू होता है, सी एच टू में एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये जोड़ दिया, ये सी एच टू होता है, एक हाइड्रोजन ये और ये जोड़ दिया। और यहाँ पर ये जो दो इसकी संयोजकता है इस कार्बन की, इस तरफ एक तरफ हमने जोड़ दिया CH, एक तरफ जोड़ दिया हमने हाइड्रोजन, तो ये स्थिति। ऐसे ही यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमने जोड़ दिया ये, और ये हमने CWH, ये हमने जोड़ दिया हाइड्रोजन, ये हमने जोड़, तो आप ये देखो CWH की जो स्थिति है वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। यहाँ पर जो CWH की जो स्थिति है, सेम ग्रुप जो है वो सेम साइड, तो ये आपका सेस फॉर्म है और ये आपका ट्रांस। तो इस तरह से आप चाहे वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हो, चाहे वो कार्बन और नाइट्रोजन वाले ऑक्सीन्स कंपाउंड हो, चाहे वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड वाले एजो कंपाउंड्स हो, और चाहे वो कोई साइक्लिक कंपाउंड, वो साइक्लिक कंपाउंड जरूरी नहीं कि तीन कार्बन का, वो चार कार्बन वाला भी हो सकता है, वो पांच कार्बन वाला भी हो सकता है, वो छह कार्बन वाला भी हो सकता है, वो साइक्लिक कंपाउंड जो भी होगा, अगर वहां पर स्थिति अपोजिट साइड या सेम साइड है सेम ग्रुप्स की, तो उस अकॉर्डिंग आप सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म उसमें शो कर सकते हो। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप लोगों को समझ में आ गई कि किस किस तरीके से कौन कंपाउंड ऐसे हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो पहली जो कंडीशन है मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड वहां पर दो एटम्स के बीच में होना चाहिए और हर एटम के पास में दो अलग अलग प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए होने चाहिए। और अगली स्थिति में आप देख लोगे कि सेम ग्रुप सेम साइड में जुड़ा हुआ है या अपोजिट साइड में जुड़ा हुआ है। अगर वो सेम साइड में है या अपोजिट साइड में है, उस हिसाब से आप उसको क्या शो कर सकते हो, कि वो सिस आइसोमेरिज्म शो कर रहा है या ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ठीक बात है, क्लियर? आगे समझ में? ओके सर। ये सारी की सारी जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमने पढ़ी या आपके कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म में आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ी, इन सबको अगर हमको डिटरमाइन करना हो, पता लगाना हो, तो हमारे पास में कई सारे मेथड है। तो जैसे कि कुछ मेथड्स हैं आपके, जैसे फिजिकल मेथड्स हैं, फिजिकल मेथड्स में आप क्या करते हो, जैसे बॉइलिंग पॉइंट नाप करके, मेल्टिंग पॉइंट नाप करके, उस ऑर्गेन उसकी सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्वेंट में देख करके, या डाइपोल मोमेंट पता करके, है ना, इन सब तरीके से हम क्या कर सकते हैं उसको, इन सब तरीके से हम उसका जो आइसोमर है वो पता लगा सकते हैं कि वो सिस आइसोमर है या ट्रांस आइसोमर है। लेकिन आजकल हम कुछ मॉडर्न टेक्निक्स यूज करते हैं, जैसे कि एक्सरे एनालिसिस टेक्निक है, इंफ्रारेड यूवी जो टेक्निक है, या फिर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है ना, इन सभी स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हम सिस ट्रांस आइसोमर्स का पता इजीली लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरे मेथड क्या होते हैं, दूसरे मेथड होते हैं जिसके अंदर हम किसी एक कंपाउंड को किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करें, मतलब कोई केमिकल रिएक्शन करवाएं, और उस केमिकल रिएक्शन के दौरान जो प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट हमने लिया, प्रोडक्ट हमने देखा कि क्या बना, तो अगर हमने प्रोडक्ट का पता चल गया कि वो प्रोडक्ट क्या है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि वो रिएक्टेंट कौन सा रहा होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पर आपकी बात करें, जैसे कि आप क्रोटोनिक एसिड ले रहे हैं, अब क्रोटोनिक एसिड क्या होता है, क्रोटोनिक एसिड होता है ये कि इसको चेंज करते हैं, अभी इसको डिलीट करें, ये क्रोटोनिक एसिड क्या होता है, क्रोटोनिक एसिड आपका ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और ये आपके पास में
ऐसी स्थिति आप वहां पे भी देखते हो जो अभी हमने सिस्ट्रॉन्स आइसोमेरिज्म पढ़ी थी, याद है आप लोगों को? यस सर। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा ये हाइड्रोजन होता है, ये आपका CH3 होता है, और एक तरफ आप क्या लेते हो हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ एक, क्योंकि ये क्रोटोनिक एसिड है, इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रोटोनिक एसिड। लेकिन आप इसको क्या करोगे, इसको आप लोगे ट्राइक्लोरोक्रोटोनिक एसिड, ठीक है। अब ट्राइक्लोरोक्रोटोनिक एसिड क्या हो जाएगा, अब उसमें मैं आपको बताता हूं कि ये जो CH3 है, इस CH3 के तीनों हाइड्रोजन को अगर आप क्लोरीन से रिप्लेस कर दो, किससे? क्लोरीन से, जैसे मैं इस हाइड्रोजन की जगह क्या लिख दू, क्लोरीन लिख दो, CH3 लिख दो, तो अगर मैं क्लोरीन लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, CCl3 हो जाएगा, और ये है आपका ट्राइक्लोरोक्रोटोनिक एसिड। अब ये जो ट्राइक्लोरोक्रोटोनिक एसिड है, इसका मैं क्या करवा दूं, हाइड्रोलाइसिस करवा दूं। आपको मालूम है हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, मालूम है? वाटर के साथ में हम उसकी रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर तीन Cl है, और इसको मैं, ये जो तीन Cl है इसको मैं दोबारा मिटा रहा हूं, और फिर ये बता रहा हूं कि ये तीन Cl को हम कैसे लिख सकते हैं। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। सो यहां पर ये जो कार्बन है, इस पर मैंने आपको तीन Cl जोड़ करके दिखाने हैं, ट्राइक्लोरोक्रोटोनिक एसिड, ठीक है। अब जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहां पर तीन वाटर मॉलिक्यूल्स है, उसके साथ में रिएक्शन होगी, तीन क्या बनेंगे, इससे क्या बनेगा, इससे बनेंगे तीन H+ आयंस बनेंगे, और साथ में तीन हाइड्रोक्सिल आयंस बनेंगे, हाँ या ना। अब ये जो तीन हाइड्रोक्सिल आयंस हैं, ये क्या करेंगे, ये ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा, और ये ब्रेक होगा, तो यहाँ स्थिति आ जाएगी आपकी इस तरीके की, ये जो तीनों क्लोरीन्स हैं वो रिप्लेस होकर के क्या हाइड्रोक्सिल ग्रुप आकर के जुड़ जाएंगे, और ये जो तीन H+ आयन है वो इन तीन Cl- के साथ में क्या बना लेगा, तीन HCl फॉर्म कर ले, ठीक है। अब ये जो आपका कंपाउंड बना, इस कंपाउंड में आप देख रहे हो कि तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन पर प्रेजेंट है, जबकि आपको पता है एक ये रूल है कि एक कार्बन पर कभी भी एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप स्टेबल नहीं रह सकते, मेरी बात समझ में आ रही है, एक कार्बन पर एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप या OH ग्रुप अगर होते हैं तो वो स्टेबल नहीं होते, और अगर ऐसा कभी हो जाता है तो एक वाटर मॉलिक्यूल वहां से रिलीज हो जाता है, तो उसको हम रिलीज करेंगे, तो देखो ये जो OH है, इस OH से हम इस तरीके से बॉन्ड बना करके और इस Cl को ऐसे निकाल देंगे, तो ये जो H+ आयन है, ये जो OH- आयन है, ये तो वाटर बना लेगा, और यहाँ क्या स्थिति आ जाएगी, यहाँ स्थिति आ जाएगी ऐसी, ये हाइड्रोजन, और ये आपकी स्थिति है, ये समझ में आ गया बात? यस सर। है ना, तो एक कार्बन पर दो या दो से ज्यादा अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं तो स्टेबल नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो ये हाइड्रोलाइसिस हो जाएगी और ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये कंपाउंड बना के दिखाया था जिसमें दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दो कार्बोक्सिल ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट साइड होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड, हाँ या ना। अभी जो फ्यूमेरिक एसिड है इसमें आपको पता है कि ये ट्रांसफॉर्म होती है, क्या होती है, ट्रांसफॉर्म, और जब ये ट्रांसफॉर्म का बन रहा है तो इसका मतलब जो हमने ये जो ट्राइक्लोरोक्रोटोनिक एसिड लिया था वो क्या होगा, सिस वाला होगा या ट्रांस वाला होगा, ट्रांस वाला, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ट्रांस का प्रोडक्ट बन रहा है, तो रिएक्टेंट भी हमारा क्या होगा, ट्रांस वाला ही होगा। तो आप इस मेथड के थ्रू भी क्या कर सकते हो, एक चीज से दूसरी चीज में किसी को कन्वर्ट करके और देख सकते हो कि जो हमारा कंपाउंड है वो क्या है।
तो ये भी एक मेथड है जिससे आप पता लगा सकते हो। एक मेथड होता है जिसमें हम कोई साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं, वो साइक्लिक की आवाज अब भी कट रही है, अभी कट रही है सर, आपके बाद बहुत कट रही है सर, अब तक थका नहीं क्या वो?